हेलो फ्रेंड्स, सादा किचन में आपका स्वागत है। प्याज और कॉर्न स्टार्च की पकौड़ी बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम प्याज को चॉप किया हुआ है। 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया, 1 चम्मच लाल पाउडर, 1/4 हल्दी और 1/2 चम्मच धनिया। टेस्ट के लिए ये मसाला मैंने डाला है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च लिया है। प्याज और कॉर्न स्टार्च की जो कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पे क्रिस्पनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और 4 से 5 मैंने लाल मिर्च को चॉप किया है। धनिया 20 ग्राम है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि देख सकते हैं, मिक्स करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके यानी पेस्ट बनाना है हमें, तो पानी डालना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है ताकि पेस्ट का जो बैलेंस है वो बन यानी बरकरार रहे। ये हमारा पेस्ट तैयार हुआ है और पानी का जो इस्तेमाल है वो केवल 15 से 20 ml का ही इस्तेमाल किया है। और बैलेंस को कॉर्न स्टार्च और प्याज का जो बैलेंस है वो इसका पेस्ट थोड़ा सा लिक्विड में है, तो हम इसे यहाँ पे 2 चम्मच मैंने बेसन लिया है और इसे हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये पेस्ट बनके अच्छे से तैयार हो गया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। तेल मैंने यहाँ पे 150 ml लिया है। गर्म होने के बाद पेस्ट बनके तैयार हो चुका है जैसे कि बताया, और हाथ की मदद से मैंने यहाँ पे बॉल बना के मतलब तेल में डाला है और सभी मैंने थोड़ा गैप के अकॉर्डिंग मैंने तेल में बॉल्स डाली हैं और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मीडियम गैस रखी है और पलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से सिक सके यानी फ्राई हो सके यानी। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया है और हम इसे करीब 2 से 3 मिनट तक के फ्राई करते रहेंगे, चलाते रहना है ताकि बराबर से सभी सक सके। ये पहले मैंने तेल में डाली थी, ये हो चुकी हैं, बाकी अभी इसमें टाइम लगेगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं ये भी हो चुकी है और अब हम इन्हें सभी को मतलब अलग बर्तन में कर लेंगे। इन सभी को मैंने अलग कर लिया है और बाकी की अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि 1 बड़े चम्मच की मदद से भी आप तेल में इस तरीके से फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि पकौड़ी का जो साइज़ है वो एक मतलब निश्चित जिसे कहते हैं आकार का नहीं होता है। इसका जो साइज़ है छोटा बड़ा हो सकता है। सभी इसी तरह से मतलब तेल में डाल देना है।
आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ से हो चुकी हैं। अब हम दूसरी तरफ से भी इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए। जैसे कि देख सकते हैं बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई हैं। बाकी भी मैंने ऐड कर दी हैं। इसके साथ हरी धनिया की जो चटनी है बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार लगेगी। टमाटो केचप के साथ भी आप खा सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं खट्टे मीठे का। सबसे ज़्यादा धनिया और चटनी जो मैंने बताई है बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो फ्रेंड्स ट्राई कीजिएगा, रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।